शराब भट्टी हटाए जाने की मांग को लेकर वार्ड 54 पोटिया के रहवासियों ने अपना आक्रोश जताया, साथ ही पोटिया मुख्य मार्ग का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। दुर्ग शहर के वार्ड 54 स्थित मुख्य मार्ग पर वार्ड के रहवासियों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से पोटिया चौक स्थित शराब भट्टी को हटाने को लेकर विरोध जताया जा रहा था। वहीं फिर से पिछले दिनों एक दर्दनाक दुर्घटना में दो लोगों की जान चली गई, जिससे आक्रोशित वार्ड के रहवासियों ने शनिवार को पोटिया चौक पर शराब भट्टी हटाने की मांग को लेकर सड़क जाम किया और जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। इस मौके पर वार्ड वासियों के समर्थन में भाजपा के पदाधिकारियों ने भी सहभागिता निभाते हुए प्रदर्शन का समर्थन किया। इस मौके पर लोगों ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। पोटिया चौक के समीप दारू भट्टी के पास एक हृदय विदारक दुर्घटना हुई, जिसमें एक युवती की मौत हो जाती है और अन्य लोग घायल हो जाते हैं। इसके विरोध में वार्ड 54 की जनता के द्वारा आज चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया है दारू भट्टी को हटाने को लेकर। हम प्रशासन से यही मांग किए हैं कि जल्द से जल्द दारू भट्टी को हटाए और ये अवैध चकना सेंटरों को तुरंत तत्काल हटाया जाए। आए दिन हमको वहाँ 5 बजे से अकेली बच्चियाँ महिलाएं वहाँ से निकलने के लिए शर्म आती है। दारू भट्टी वाले में लोग दारू पी के अभद्र हमारे साथ घटनाएं करते हैं। यहाँ पे हैवी व्हीकल चलती है, स्कूटी चलाने से डर लगता है। हमारी क्रॉसिंग ही मतलब रोड क्रॉस के हमको कॉलोनी के अंदर जाना पड़ता है, बच्चों को ट्यूशन के लिए जाना पड़ता है। कितने बार तो हम ही लास्ट एक महीने पहले मैं खुद अपना बता रही हूँ, मैं खुद इतने से उसके लिए बची हूँ एक्सीडेंट होते हुए। हर बार किस्मत साथ नहीं देता है। यहाँ तो ना तो एक ट्रैफिक रूल कोई कंट्रोल कर सकता है। जैसी गाड़ी आ रही वैसी चल रही है। भाई हमारे बच्चे दाव पे लगे हैं, इनको क्या है, इनको तो अपना नेतागिरी करेंगे चले जाएंगे ना। दाव हम बच्चों को करना पड़ता है। हमारे छोटे बच्चे आए दिन मरे, आए दिन गिरे पड़े, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है वहाँ पे। कौन कितना झेलता रहेगा। हमको चाहिए यह कि ये दारू भट्टी यहाँ से जल्द शिफ्ट कराए। ब्रांडी सी न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।